हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अक्सर जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, आपका डिस्चार्ज जो है इसकी संकेत सबसे पहले आपको दे देता है, क्योंकि फ्रेंड्स महिला के शरीर के अंदर डिस्चार्ज हमेशा ही निकलते हैं और ये डिस्चार्ज का टेक्सचर हमेशा बदल जाता है, जिससे कि आपको ओवुलेशन का पता चलता है या फिर आपके पीरियड्स आने वाले हैं ये जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ प्रेग्नेंट होने की पुख्ता जानकारी हमें समय से पहले, पीरियड मिस होने से पहले इसी डिस्चार्ज से मिल जाती है। दोस्तों, कई बार फ्रेंड्स ये डिस्चार्ज जो है कई सारी महिलाएँ इग्नोर कर देती हैं, उनको पता नहीं होता है कि मुझे जो डिस्चार्ज निकल रहा है एक्चुअली में प्रेग्नेंट होने का है, और उस समय कुछ सावधानियों को नहीं बरतती हैं, जिसकी वजह से उनके मिसकैरेज भी हो जाते हैं। तो यदि आप रेगुलरली अपने ट्राई कर रही हैं कंसीवमेंट की तरफ, तो आपको यह जानना ही चाहिए कि आपके शरीर में जो डिस्चार्ज निकल रहा है या प्रेगनेंसी का अर्लियर सिम्टम्स कैसा होता है और कब यह महसूस होता है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। एक्चुअली में फ्रेंड्स होता यह है कि जब महिला के शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बढ़ते हैं, जो कि बेसिकली प्रेग्नेंट होने के लिए ही आपको बढ़ते हैं, एवरी मंथ ये एक टाइम ऐसा आता है जब ये पिक पे होता है, और इसी वजह से आपके ओवुलेशन होते हैं, आपकी रेगुलर पीरियड साइकिल होती है, और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपका प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद भी यही वो कारण होता है, यही वो हार्मोन्स के रीजन होते हैं जो आपके डिस्चार्ज में परिवर्तन लेकर के आते हैं। अमूमन पीरियड्स के 10वें दिन से महिला ओवुलेट करती है, जिस समय उनकी ओवरी से अंडा रिलीज होता है, खारिज होता है। जब ये अंडा आपकी ओवरी से निकलता है, तब ये संपर्क में आता है यदि स्पर्म के, तो ये फर्टिलाइज्ड हो जाता है और देन ये फिलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करके आपके यूट्रस में चला जाता है। फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये डिस्चार्ज का निकलने का मेन पर्पस क्या होता है, क्यों ये डिस्चार्ज आपके शरीर से निकलता है और प्रेगनेंसी को आपके कैसे ये सपोर्ट करता है। एक्चुअली में फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आपके बेबी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, साथ ही साथ उसको नरिशमेंट, साथ ही साथ उसके जितने भी पोषक तत्व होते हैं, साथ ही साथ उसको सेफ रखना गर्भ के अंदर यही हार्मोन्स की वजह से संभव हो पाते हैं। जिन महिलाओं में इस हार्मोन्स की गड़बड़ी पाई जाती है उनमें मिसकैरेज काफी जल्दी हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी नहीं रुकती है बिकॉज ऑफ दिस ओवुलेशन समय से नहीं होता है। अब मान लीजिए कि आपके एक को स्पर्म मीट कर चुका है, वो फर्टिलाइज्ड हो चुका है, तो देन आपको ये डिस्चार्ज जो है वो फील हो सकता है पीरियड्स के संभावित डेट के लगभग 1 वीक पहले से। दोस्तों, इस डिस्चार्ज का आने का मेन मोटिव ये होता है कि आपकी यूट्रस के अंदर किसी भी प्रकार का अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन पनप रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी क्लियर किया जा सके और आपकी यूट्रस को हेल्दी रखा जा सके। ये बाहरी संक्रमण से किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को आपके बेबी तक होने से बचाता है। इस वजह से हमेशा ही यूट्रस आपका क्लीन होता है, लेकिन तब ये ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है जब आपकी प्रेगनेंसी रुकती है, क्योंकि एक भ्रूण की सेफ्टी के लिए आपका डिस्चार्ज ज़्यादा निकलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी क्लीनिंग प्रोसेस ज़्यादा होने लगती है यूट्रस के, साथ ही साथ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बहुत अच्छे से आपकी बॉडी में बिल्डअप होते हैं। प्रोजेस्टेरोन जब बहुत अच्छे से बिल्डअप होता है ना, तो फ्रेंड्स इसके जो संकेत होते हैं वो पीरियड मिस होने से बहुत पहले ही महिलाओं में दिखाई देने लगते हैं, प्रेगनेंसी के संकेत के जैसे। जैसे कि ये डिस्चार्ज वॉटरी होता है फ्रेंड्स, जैसे कि वाटर होता है, पानी होता है, वैसा नहीं, वॉटरी तो होता है लेकिन इसका एक टेक्सचर होता है जो क्रीम कलर का होता है। इसमें एक माइल्ड सा स्मेल भी होता है फ्रेंड्स, और ये ज़्यादा गाढ़े रंग का, गाढ़े धीरे धीरे होते चले जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं। ये बेसिकली 9 महीने तक प्रेगनेंसी में आपके साथ ही रहती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये बाहरी इन्फेक्शन से महिला को बचाती है, उसके बच्चे को बचाती है। इस वजह से ये डिस्चार्ज कई महिलाओं में कई ज़्यादा गुना बढ़ के बाद में जब वो आखिरी के कुछ ट्राइमेस्टर्स में होती हैं प्रेगनेंसी के, तब ज़्यादा भारी मात्रा में दिखाई देने लगते हैं, और ये आना बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी बात फ्रेंड्स कि आपके शरीर में अगर ऐसा कोई भी संकेत आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली पीरियड्स मिस होने के 1 वीक पहले से या 10 डेज पहले से, तो आप समझ जाइए कि गर्भधारण की प्रोसेस आपकी यूट्रस के अंदर हो रही है। फ्रेंड्स, अर्लियर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में आपकी यूरिन की फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है, आपको ऐसा लगता है कि हर आधे घंटे पे यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो रही है, आपको पी पास करने जाना है, बिकॉज ऑफ दिस आपका बढ़ता हुआ यूट्रस डायरेक्टली
पेश करता है आपके यूरिनरी ब्लैडर को, जो जस्ट नीचे आपके होती है गर्भाशय के। तो जब तक उस पर भार और दबाव पड़ती रहती है प्रेगनेंसी के दौरान, तब तक आपको यूरिन की सेंसेशन बहुत अधिक होती है। बिकॉज ऑफ दिस की अर्लियर स्टेज में हमारा बॉडी इन सब चीज़ों के लिए हैबिचुएटेड नहीं होता है, तो बहुत जल्दी से इस पर रिएक्ट करता है बॉडी, इसलिए आपको बार बार यूरिन पास करने की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, कई महिलाओं को फीवरिश जैसा फील होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है शरीर का, बिकॉज ऑफ दिस कि आपका ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेजी से होता है उस दौरान, डबल स्पीड से, एक हम कंपेयर करें नॉर्मल बॉडी के मुकाबले। तो इस वजह से बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इन्हांस हो जाता है 1 या 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई सारी महिलाओं को काफ़ी वीकनेस हो जाती है, बहुत हैवी वीकनेस होता है। आप रात को फुल नाइट सोकर उठे हैं, बिल्कुल सुबह आप बिल्कुल रिफ्रेशमेंट के जैसे जो पहले फील करते थे वो फीलिंग नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा वीकनेस का एहसास होता है। कई सारी महिलाओं को जिनको कैल्शियम की कमी होती है, पैर में काफ़ी ज़्यादा क्रैम्प्स की प्रॉब्लम आने लगती है फ्रेंड्स, बॉडी में कई हिस्सों में पेन स्टार्ट हो जाता है, आपके लोअर बैक में पेन स्टार्ट हो जाता है मॉर्निंग में उठते टाइम ही, बेड छोड़ते टाइम ही। इसके बाद जो नेक्स्ट सिम्टम्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा खास होता है, वो होता है ब्रेस्ट में चेंजेस का। ये डायरेक्टली आपके हॉर्मोन से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी के प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बिल्डअप होते हैं, जैसे ही आपके शरीर में बीटा एसजी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, बच्चे का प्लेसेंटा डेवलप होने लगता है, वैसे ही आपका ब्रेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंडर हो जाता है, वो सोरनेस का एहसास दिलाता है, और ख़ास करके ये निपल के आसपास ज़्यादा होता है। तो ऐसा कोई भी आपको लक्षण दिखाई दे, महसूस होने लगे, तो आप बिना किसी देरी के समझ सकती हैं कि आपने गर्भ धारण कर लिया है। साथ ही साथ इस समय जल्दीबाजी ना करें, कोई किसी भी प्रकार का टेंशन ना ले, और अत्यधिक रिलेशनशिप में ना आए अपने पार्टनर के साथ। और तीसरी बात का ध्यान रखें कि आप कभी भी जल्दीबाजी ना करें अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए। यूरिन सैंपल में जो बीटा एसजी का लेवल होता है, बेसिकली जिस हार्मोन का उसमें जाँच होता है, उसका लेवल जो है उसको बढ़ने में थोड़ा समय लगता है, तो अपनी बॉडी को थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा ठहर जाइए। आपकी क्यूरियोसिटी तो मैं समझ सकती हूँ, बट थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंसली हैंडल करिए अपनी बॉडी को, हैप्पी रहिए, और साथ ही साथ जब पीरियड मिस हो जाए तो 3 to 4 days बाद आप अपने चेकअप को करिए यूरिन सैंपल से, तो उसके थ्रू आपको पॉजिटिव रिजल्ट यूरिन सैंपल से भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल थी, काफ़ी सारी क्यूरियोसिटी और काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। ऐसा डिस्चार्ज को देखने के बाद हैप्पी होना तो लाजमी है, क्योंकि जिस गुड न्यूज़ का आप इंतजार कर रही थी वह बस आने ही वाली है। साथ ही साथ तमाम वो वीडियोज़ जो आपको प्रेगनेंट होने के और भी करीब ले जा सकती है, आपकी हेल्प कर सकती है, वो सभी वीडियोज़ आपको चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उसे भी जरूर देखिए, सीखिए, समझिए और जल्दी से जल्दी गर्भधारण कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। आप चाहें तो मुझे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकती हैं। हर ज़रूरतमंद तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ अपना पूरा ध्यान रखें, अगली बार फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।